कि अब भयमुक्त हमारा समाज होगा, एक ही काउंटर पर सारा काम काज होगा, बाघ और बकरिए के घाट पर पानी पियेंगे जिस दिन हम बहुजनों का दिल्ली पर आज होगा। बहन जी अपने समय के नेता थी, वो भी हमारी खून है, चंद्रशेखर भाई भी हमारा खून है, यदि मैं दोनों को कुछ भी बोलूंगा तो मैं अपने आप को गाली दे रहा हूं। ये बोला कि भाई ये चमार चमार होते हैं, इनकी कोई औकात नहीं होती, सत्य कहना यदि गुनाह है तो गुडूराव बागी ये गुनाह बार बार करेगा। सर के गाना गाए थे, एक गाना बड़ा तेजी से आपका वायरल हुआ था, बड़ा जगह जगह चला था, लोग आपका विरोध भी कर रहे थे, उल्टा सीधा भी सुने होंगे आप, गाना कौन सा था? वो गाना वही था कि चमड़े से कल अब यहाँ छड़ पा जाएगी। इस चीज से हमको सम्मान है, जिस चीज से हम जीते हैं और जिस चीज से हम कहीं भी बोलते हैं और उसी पर हम उंगली उठाए तो हम उस पर नहीं गा सकते हैं। तो एक महिला समाज थी, महिला कोई थी सर्व समाज से, तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये चमार चमार होते हैं, इनकी कोई औकात नहीं होती, और यहाँ तक वो बोली कि भाई चमारों को सरकार ने आरक्षण दे रखी है, इनको कपार पर चढ़ा रखी है। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, तो मैंने उसको अपने गीत के माध्यम से हाँ यही जवाब दिया कि भाई देखो बहन, यदि तुम बोल रही हो तो ये बाबा साहब की संविधान और जो कानून है उसकी देन है, नहीं तो तुम कहीं जो बेलन रोटी वाला काम होता है वही करती, नहीं तो किसी कचरे में पड़ी होती। तो इसीलिए मैंने उसको ये सजेशन दिया था कि मान के चलो कि हमारे समाज में, भाई मैं जानता हूँ कि गरीबी है, लगभग 98-95% हमारा समाज आज भी गरीब है, 5% ऐसे होंगे जो मंत्री विधायक डॉक्टर मास्टर इंजीनियर होंगे। तो हमने कहा कि किसी को देख करके तुम शादी कर लो, उसी पर मैंने ये गीत बाबा साहब बुद्ध जी गुरु रविदास जी का अनुवाद है, मैं उनके मिशन को गाता हूँ, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा भाई है वो सभी फूलों का हार लेकर ही आ रहे हैं, कोई नो गासी लोग खोजे थे कि बगिया बड़ा बढ़िया बढ़िया बात समझाता आ बड़ा बोला तारू कहे कि हम एवराई करब चला करती। देखिए इस पर भी हम कहना चाहूँगा, समय परिवर्तन होता है तो हमको नेता भी परिवर्तन कर देना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, यही ना बाबा साहब का संविधान कहता है कि हर 5 साल पर उसमें सबको देखा जाए, चोर को देखा जाए, 420 को भी देखा जाए, 5 साल के बाद उसके देखिए आपसे हमारा दिल मिलता है, आपकी ओरिजिनलिटी हम मान के चले कि आपसे प्रेम व्यवहार हो गया, तो मैं थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बरसों लगेगा लेकिन हमारी ओरिजिनलिटी आपको जरूर पता चलेगी कि गुड्डूरा बागी या कोई और कैसा क्या है। तो एक बार किसी को मौका देना चाहिए, कैसे क्या है उसमें तो हम देख रहे हैं कि जिसके अंदर राजनीति आ गई वो सिर्फ अपना ही पेट भरने के लिए और ऐसे नहीं, तो देखिए अब हम कह रहे हैं ना कि 95% बाबा साहब ने कह कर गए कि आप संसद में जाइए, जहाँ भी जाइए तो अपने समाज का मुद्दा उठाइए, कौन उठाता है, कौन कहता है अभी हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है, हमारी जमीन जायदाद लूटी जाती है, वहाँ कौन आता है? अब बता देंगे तो मैं अभी बताऊँगा, बताइए कौन आता है हमको बचाने के लिए? तो जो आता होगा मैं उसकी बात करता हूँ, अभी कहीं भी हम जाते हैं कोई संगठन आता हो या ना आता हो इसके लिए यदि किसी को बुरा लगता है तो माफ़ी चाहेंगे, वो भी मारनी आती है। तो मैं उस जिले से भी हूँ, 1945 में हमारा बलिया जिला आज़ाद हुआ था जो कि कहा जाता है वीरों की धरती जवानों का देश, और 1947 में पूरा भारत आज़ाद हुआ, उस धरती से हूँ और मैं बोलता हूँ, नहीं तो मैं जानता हूँ ना सब लोग जानते हुए भी अनजान बनते हैं, तो किसी को ना किसी को बोलना पड़ेगा तब जाकर हमको आज़ादी मिलेगी। बाबा साहब वो दिन याद आता है जब हमारे लिए सर उनका सर फोड़ दिया गया, पानी पीने के लिए अपने चार चार बेटे कुर्बान कर दिए वो, और न जाने कितनी कितनी जिले तक झड़ी, हम लोग मंच पर कभी कभार रोने लगते हैं, कभी कभार जब बात आती है तो हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन क्या करें। बहन जी अपने समय की नेता थी, वो भी हमारी खून है, चंद्रशेखर भाई भी हमारा खून है, यदि मैं दोनों को कुछ भी बोलूंगा तो मैं अपने आप को गाली दे रहा हूँ। हाँ तो इस चीज को देखते हुए सर, चंद्रशेखर तो कहते हैं कि दलितों की बात करता है, लड़ने लड़ाने की बात करते हैं, कभी हक के अधिकार की बात नहीं। ठीक है, तो इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि यदि वो समय था कि जो कि एक अम्बेडकर से काम चल गया तो मैं कहता हूँ कि अब भयमुक्त हमारा समाज होगा, एक ही काउंटर पर सारा काम काज होगा, अब भयमुक्त हमारा समाज होगा, एक ही काउंटर पर सारा काम काज होगा, बाघ और बकरिए के घाट पर पानी पियेंगे जिस दिन हम बहुजनों का दिल्ली पर आज होगा। और एक है, एक सर और है कि वो समय का जो कह रहे हैं ना कि अम्बेडकर से जो काम चलने वाला था तो वो दौर कुछ और था, आज एक घर घर में अम्बेडकर लाना पड़ेगा, कर सको तो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे, हुनर पैदा करो, आज एक अम्बेडकर से काम चलने वाला नहीं है सत्या सर, हर घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो तब जाकर आप बचेंगे। अच्छा बताइए अभी इस तरफ जा रहे हैं, अभी आपको कोई मारने लगेगा तो आप क्या करेंगे, उसकी पूजा करेंगे? ठीक है मैं मानता हूँ भाई गलत होता है, लेकिन क्या करें, ये व्यवस्था ही आ गई है, ये कोई जरूरी है कि आपके गले में हाड़ी झाड़ू बांधी जाए, आपका सब अधिकार से वंचित कर दिया गया है, वो क्या सब चीज़ प्राइवेट कर दिया गया है, सिर्फ एक पुलिस प्रशासन और जो ये
यही जो फोर्स की नौकरी है वही बचा है, नहीं तो सब प्राइवेट कर दिया गया है। तो ये बताइए, जब उसके मालिक हम हो गए तो हम अपने भाई को रखेंगे, दुश्मन को रखेंगे, कि पड़ोसी को रखेंगे, कि अपने सार को रखेंगे, कि बहनों को रखेंगे? तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आप इसी तरह से आपका हक अधिकार मारा जा रहा है। तो उसके लिए यदि जो आवाज़ उठाता होगा उसके लिए गुड्डू राव बागी जरूर गाएगा और जरूर कहेगा इसके लिए हमको जो भी ना करना पड़े। सत्य कहना यदि गुनाह है तो गुड्डू राव बागी गुनाह बार बार करेगा। सर, यूपी में 3 राष्ट्र पार्टियां हैं, उसका जब मुद्दा उठ गया तो मैं बता ही देता हूँ, 3 राष्ट्र पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा। अभी चुनाव आयोग जब इनसे पूछा कि बताइए भी हम सही है, तो आपने क्यों उसका विरोध नहीं किया? बहन जी क्यों नहीं बोले कि नहीं ये गलत है? नहीं तो मैं चैलेंज देता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अभी भी हम हट जाए तो बीएसपी का यदि एक भी सीट निकल जाता है तो गुड्डू राव बागी उसका। मैं बता देता हूँ, मैं छोटा सा था, सन 2005 की बात है, पीसीओ चलती थी, उस समय 40 सेकंड में एक मिनट वो बनाया था, जबकि 60 सेकंड का एक मिनट होता है। वही ड्रामा ईवीएम में है, इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? बहन जी नहीं करते हैं, बहन जी नहीं करते, उनका करने का या का चंद्रशेखर कर देंगे, अखिलेश की बस की बात है। वामन मिश्रा ना जाने कितने दिनों से दिल्ली पर गरज रहे हैं, दिल्ली में ना जाने कितने दिनों से बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, क्या हो रहा है? जब तक बहन जी नहीं चाहेंगी, वही हमारी बसपा के बहुजन की लीडर कोई है तो हमारी बहन जी है, वो यदि चाहेंगी तो हमारा देश बजेगा, नहीं तो हमारा आरक्षण खत्म होने वाला है। यही सब बातें हैं सर। मतलब आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ? हाँ, एक साथ नहीं होंगे। अब हम वही तो बात कर चले गए हैं साहब कि हम अपने भाई भाई को, अरे समय की आप नेता थी, आपको भी मौका दिया गया, एक बार किसी को चंद्रशेखर को दिया जाएगा, यदि वो गलत करता है तो 5 साल के बाद हटा दिया। मैं शुरू में बोल कर गया था ना, यही संविधान कहता है, बाबा साहब ने सभी को इसमें मौका दिया है कि सभी को एक बार मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई दोनों को एक लोग देखना चाहिए, माहौल देखना चाहिए, सिचुएशन देखना चाहिए और डेवलपमेंट करना चाहिए, किसी को भी, हम हो या हमारा भाई हो या हमारा कोई, लेकिन 85 से विलोम करता हूं। अभी देखिए।